बच्चे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूनिट शुरू किया हुआ था और उस यूनिट में हमने ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट जो किडनी से रिलेटेड थे वो वन बाय वन कवर किए। और इस यूनिट में आपको किडनी की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला होगा कि किडनी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है और उसका बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किडनी जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालती है और इसके साथ साथ ही किडनी एक और रोल प्ले करती है, वो है ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब आपकी बॉडी में कितना पानी की वॉल्यूम रहना चाहिए प्लस कितने आयन की कंसंट्रेशन रहनी चाहिए ये भी किडनी ही डिसाइड करती है। इसके अलावा किडनी एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड में हम पढ़ते हैं कि किडनी इरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करती है जो कि ब्लड फॉर्मेशन में, पर्टिकुलरली आरबीसी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जरा सोचिए उन पर्सन की जिसकी किडनी जो है फेल हो जाए एट एनी रीजन, मतलब जिसे हम रीनल फेलियर कहते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है आपका पहला जवाब होगा किडनी ट्रांसप्लांट। तो क्या हर पर्सन जिसके किडनी फेलियर हो जाता है वो किडनी ट्रांसप्लांट अफोर्ड कर सकता है? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो इतना इजी टास्क नहीं है। नंबर वन, वो किडनी मैच होनी चाहिए, क्लोज सिबलिंग से मिलनी चाहिए। नंबर टू, अगर आपके क्लोज रिलेटेड से या सिबलिंग से वो नहीं मिल पा रही है तो आपको एक बाहर से डोनर ढूंढना पड़ेगा और लोग इतनी जल्दी किडनी डोनेट तो करते ही नहीं, खासकर इंडिया में तो ऑर्गन डोनेशन काफी लो परसेंटेज पे है। फिर अगर किडनी कहीं से मिल भी जाती है तो जो रिसिपिएंट होगा जिसको किडनी दी जाएगी, क्या उसके बॉडी के सारे पैरामीटर ऐसे हैं कि वो किडनी ट्रांसप्लांट की जा सके? मतलब कहीं वो डायबिटिक तो नहीं, कहीं वो हाई बीपी का पेशेंट तो नहीं, एंड सो ऑन। सो किडनी ट्रांसप्लांट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो है ही है रीनल फेलियर के पेशेंट के लिए, बट इसके अलावा भी मेथड्स हैं यहाँ पर बॉडी को हम लोग मैनेज कर सकते हैं फॉर लॉन्गेस्ट सर्वाइवल के लिए, और वो प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। बच्चे डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ब्लड को फिल्टर करते हैं, लेकिन वो फिल्टर करने का यूनिट किडनी नहीं होती, वो कोई और मेथड होता है। डिपेंडिंग अपॉन द मेथड उस डायलिसिस को प्रोसेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहला पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा जिसे हम लोग मोस्टली बुक्स पे पढ़ते हैं, जिसे नॉर्मली हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। डायलिसिस से जो ब्लड को हम लोग फिल्टर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिटोनियल डायलिसिस? क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रीफ फॉर्म में। तो क्या होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में बॉडी का जो पेरिटोनियम है इसको यूटिलाइज किया जाता है एज ए नेचुरल मेम्ब्रेन टू फिल्टर द ब्लड। इस केसेस में एक स्पेशल गैजेट लगाया जाता है बॉडी के अंदर और वो मोस्टली एब्डोमेन में लगाया जाता है, फिर एब्डोमेन में लगा के पाइप अंदर रखी जाती है, कॉइल फॉर्म में होती है और थोड़ा सा वो बाहर भी रहता है, यहाँ से प्लगिंग किया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन एब्डोमेन के अंदर ना जाए। फिर क्या होता है कि बॉडी के अंदर का फ्लूड को निकाला जाता है जो एब्डोमेन कैविटी में है और नया फ्लूड डाला जाता है, राइट? वो एक ऐसा फ्लूड होगा जिसकी आयन कंसेंट्रेशन इस तरीके से मैनेज की गई हो कि जब भी ब्लड मेम्ब्रेन के पास से गुजरेगा, राइट, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पास से ब्लड गुजरता है तो ब्लड में जितना भी एक्सेस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है वो उस सोल्यूशन में चला जाए, राइट, और वो सोल्यूशन फिर बाहर ड्रेन आउट हो जाता है, राइट? तो यहां पर क्या हो रहा था कि बॉडी के अंदर ही फिल्टर किया जा रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि लगातार वो सिस्टम आपके साथ जुड़ा रहेगा। दूसरी बात है कि चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन होने के, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि लगाया और बंद कर दे, ये पर्टिकुलर बॉडी के साथ ही रहता है। दूसरा तरीका होता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए और वो तरीका होता है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी। जी हाँ,
आर्टिफिशियल किडनी। बट आर्टिफिशियल किडनी सोचकर ये मत दिमाग में लाना कि वो एक ऐसी किडनी होती होगी जो किसी एलिमेंट मेटल की बनी होगी और बॉडी के अंदर डाल देंगे। नो, नॉट दैट ऑल। आर्टिफिशियल किडनी से हमारा अभिप्राय ये होता है कि वो एक ऐसी मशीन है जो कि नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, और जिसके थ्रू ब्लड को हम फिल्टर कर सकते हैं। अब इस मेथड को समझने के लिए मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूँ। देखिए, बॉडी के अंदर सोचिए जो किडनी है, किडनी में एक ब्लड वेसल जाती है जो ब्लड देती है, और दूसरी ब्लड वेसल आती है जो ब्लड लेके फिल्टर ब्लड को लेके वापस आती है। सोचिए, अगर किडनी ही खराब है और हमने एक ऐसी मशीन तैयार की है जहां से बॉडी के ब्लड को लिया जाएगा, उसके बीच में ब्लड को फिल्टर किया जाएगा और वापस ब्लड बॉडी में डाल दिया जाए, तो इट मीन्स मेटाबॉलिक वेस्ट तो बाहर रिमूव हो ही जाए। सो कैसे किया जाता है इस प्रक्रिया को? तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी की जो अच्छी और मोटी वाली आर्टरी होती है वहां पर पंक्चर किया जाता है, और वेन को भी पंक्चर किया जाता है और ग्राफ्ट लगाया जाता है, राइट? उस ग्राफ्ट से क्या होता है कि आर्टरी वेनस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, वहां से एक पाइप निकाली जाती है, ब्लड से यहाँ से पाइप निकाली जाएगी, और ये जो पाइप है वो एक मशीन में जाएगी। उस मशीन के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये कैसी मशीन होगी जहां पर चैम्बर बना होगा, उस चैम्बर के अंदर एक सोल्यूशन होगा, एक ल्यूकड कंटेंट होगा, राइट? वो सोल्यूशन की क्या खासियत है कि इस सोल्यूशन में कुछ सल्यूट डाले जाते हैं, बाइकार्बोनेट डाला जाता है, एरिथ्रोपोइटिन डाला जाता है। क्यों डाला जाता है वो बाद में बताऊंगा। प्लस यहाँ पे जो सोल्यूशन डाला गया है वो स्टैग्नेंट नहीं होता, मतलब रुका नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली रिप्लेस हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पर सोल्यूशन डाला गया है तो उस सोल्यूशन में ब्लड आ रहा होगा, उसमें से पास हो रहा होगा, और वो सोल्यूशन लगातार रिप्लेस हुए जा रहा है नए वाले सोल्यूशन के साथ। अब मैकेनिज्म में देखिए क्या है कि जैसे जो पाइप हमारी बाजू से ब्लड से निकाली गई है और ये पाइप में ब्लड जा रहा है, ये पाइप जाती है उस मशीन के वो वाले चैम्बर में, यहाँ पर सोल्यूशन रखा गया है। अब वहां पर जो पाइप है वो सेलोफी की बनी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं वहां पर सेलोफीन मेम्ब्रेन जो आर्टिफिशियल है वो होता है। उस सेलोफीन की क्वालिटी क्या होती है कि जिस तरीके से हमारा सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके से वो भी सिलेक्टिवली सेमी परमीएबल की तरह ही काम करती है। वहां से वो पाइप होती हुई फिर बाहर आ जाती है और वो पाइप दोबारा यहाँ पर ब्लड को सप्लाई कर देती है। सो यहाँ से एक ब्लड के लिए पाइप निकल रही है जो कि ब्लड को निकाल रही है, और वहां से घूमकर ब्लड को वापस यहाँ पर ला रही है, राइट? जो लेके जा रही है वो फिल्ट्रेशन के लिए है, जो वापस आ रही है वो ब्लड फिल्टर होके है। अब फिल्टर होता कैसे है हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर मैंने पहले ही बोला एक सोल्यूशन है, वाटर जैसा, ऑलमोस्ट वाटर ही है, उसमें थोड़े से सॉल्ट वगैरह आयंस वगैरह डाले होते हैं। अब जब वहां पर से ब्लड गुजर रहा होता है ऐसे पाइप में से जो कि सिलेक्टिवली सेमी परमियल मेम्ब्रेन है, और आप जानते हो सिलेक्टिवली सेमी परमियल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली चीजों को अलाउ करता है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर, और आप ये भी जानते हो कि आयंस हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टूवर्ड द लोअर कंसेंट्रेशन। अब देखिए, आपके ब्लड के अंदर, मतलब इंसान हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके ब्लड के अंदर ऑब्वियसली बात है मेटाबॉलिक वेस्ट रिच इन क्या होगा, यूरिया, राइट? अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, यूरिया। अब उस सोल्यूशन में यूरिया नहीं है, तो ब्लड में यूरिया काफी ज्यादा है, सोल्यूशन में यूरिया बिल्कुल नहीं है। जब ब्लड ऐसे सोल्यूशन से पास होकर जा रहा होता है तो यूरिया और क्रिएटिनिन मूव फ्रॉम द ब्लड टूवर्ड दैट सोल्यूशन, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ वो मूव करना शुरू कर देता है, राइट? इसी तरीके से आपको पता है कि जो प्रोटीन है उनका मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, राइट? तो इसका मतलब कि हमारे जो असेंशियल प्रोटीन है जो बॉडी के लिए जरूरी है वो लीक नहीं हो। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत साल्ट वगैरह वो लीव हो सकते हैं, लेकिन उसको भी मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है,
उस वाटर में उतने साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है जितना हमारी बॉडी को चाहिए। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ साल्ट है, कोई आइंस है, तो वो निकलना शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज वो नॉर्मल रिटेन करने की कोशिश करता है। राइट, अब वो वाला ब्लड का हिस्सा जो उस चैम्बर में था, नेचुरली बात है उसने यूरिया, क्रिएटिनिन एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर दिए हुए हैं, अब वो पाइप से आगे से होता हुआ दोबारा बॉडी में आता है। अब यहां पर कुछ क्यूरी आती है। पहली क्यूरी तो ये कि पाइप जो है, सोचिए कोई चैम्बर है वो इतना बड़ा है और पाइप का वो वाला हिस्सा तो इतना ही होगा, तो ब्लड को बड़ी बार रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि इतनी सी जगह से वो लगातार क्या कर रहा है, सब्सटेंसेस को डिफ्यूज करवा रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन में। और ऐसा भी नहीं है कि ब्लड रुका हुआ है, ब्लड तो लगातार चले भी जा रहा है। राइट, तो ये काफी हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या होता है कि उस चैम्बर में जो ये ड्रेन वाली पाइप है जो ब्लड को ड्रेन कर रही है, ये क्वाइल फॉर्म में होती है। अब क्वाइल फॉर्म में पाइप के होने का फायदा क्या रहता है? क्वाइल फॉर्म में बच्चे पाइप के रहने का फायदा ये होता है, इट इंक्रीज द सर्फेस एरिया। देखिए आपने देखा होगा जो आपके वॉश बेसिन की पाइप है वो बड़ी फोल्डेड होती है, जब आप उसे स्ट्रेच करते हो तो वो खींच के लंबी हो जाती है। या फिर आप देखते हैं कि आपके टेलीफोन की जो तार है, जो घरों में पहले टेलीफोन लगे होते थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोबाइल बट द टेलीफोन जो आपके घर में लगे होते थे, उसकी जो तार है वो भी स्पाइरल होती थी। उसका फायदा क्या, वो खींच के काफी लंबी हो जाती थी। सो छोटी सी जगह में बड़ी लंबी तार आ जाती है, जब वॉश मशीन की छोटी सी जगह में काफी लंबी पाइप सिमट जाती है, इसी तरीके से उस छोटे से चैम्बर में जब हम पाइप को ऐसे ऐसे करके स्पाइरली फोल्ड करते हुए लेते जाते हैं, तो ब्लड को काफी समय मिल जाता है चीजों को डिफ्यूज करवा के बॉडी से बाहर निकालने के लिए, प्लस काफी ज्यादा ब्लड आराम से और स्लोली उसमें से गुजरता है। तो पहली प्रॉब्लम थी कि ब्लड बॉडी जल्दी निकलेगा और सरफेस एरिया कम मिलेगा, वो तो सॉर्ट हो गई। अब क्यूरी नंबर टू आती है। देखिए हमारे ब्लड की इनहेरिट टेंडेंसी होती है कि ये कॉगुलेट करता है। कॉगुलेट अगर मैं समझाऊं तो मतलब जम जाना। लेट से हम लोग जब चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, कभी ना कभी हमें चोट लग जाती है, और जब हमें छोटी मोटी कोई चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि हमारा ब्लड थोड़ी देर ऊज आउट होता है, थोड़ी देर बाहर आता है, उसके बाद अपने आप ही निकलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को कॉगुलेट करवा देते हैं। कॉगुलेट का मतलब जमा देते हैं जब वो बॉडी से बाहर है। अब जिस पाइप से हम ब्लड लेके बाहर ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो ब्लड तो बॉडी से बाहर आया, तो उस पाइप में क्या होगा, वो ब्लड जम सकता है, कॉगुलेट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में फिल्ट्रेशन कैसे होगी? ठीक है, मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ ब्लड कॉगुलेशन से कंसर्निंग। आपने देखा होगा कि जब भी कोई डॉक्टर ब्लड सैंपल लेने लगता है तो अगर से गलती से किसी भी तरीके से प्रॉपर सैंपल नहीं आता तो वो नीडल चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके नीडल में ब्लड कॉगुलेट कर जाता है जिसकी वजह से वो सैंपल नहीं ले पाता। सो ऑब्वियसली बात है ये जो पाइप है इसमें भी ब्लड कॉगुलेट कर सकता है। इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जैसे ही ब्लड बॉडी से लिया जाता है वहां पर हेपरिन को इंजेक्ट किया जाता है। अब हेपरिन क्या हुआ? हेपरिन एक्ट एज एंटी कोगुलेंट। अगर कोगुलेंट ब्लड को जमाता है, कोगुलेट करता है, तो उसके विपरीत एंटी कोगुलेंट क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता। राइट, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड आराम से फ्लो करता रहता है बिना जमे हुए। तो सो हमारी कोगुलेशन वाली प्रोसेस जो क्यूरी थी वो क्लियर होगी कि भाई अगर ब्लड बाहर निकालोगे भी तो वो नहीं जमे। बट अब प्रॉब्लम नंबर थ्री आ जाती है कि अगर ब्लड में आप एंटी कोगुलेंट डाल दोगे, हेपरिन डाल दोगे, तो भाई ब्लड जब बॉडी में वापिस आएगा तो उसकी जमने की क्षमता तो खत्म, तो फिर क्या होगा? तो उस केस में क्या किया जाता है, जो ब्लड तो मशीन में जा रहा है फिल्टर होने के लिए उसमें तो एंटी कोगुलेंट है ही है, लेकिन जब ब्लड बॉडी में वापिस आ रहा होता है तो वहां पाइप में फिर से इंजेक्ट किया जाता है एंटी हेपरिन। ठीक है, और हेपरिन को टैकल करता है एंटी हेपरिन, ब्लड फिर से रीगेन कर लेता है अपनी कैपेबिलिटी को टू कॉगुलेट। तो बॉडी में वो ब्लड जाता है
जिसकी टेंडेंसी रहती है टू कॉगुलेट, मतलब अगर किसी भी कट लग जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो वो कॉगुलेट कर सकता है। तो ये छोटा सा एस्पेक्ट है कि फिल्ट्रेशन कैसे होती है। अब एक और क्यूरी जो मैंने आपको शुरू में बोली थी और मैंने कहा था मैं सिर्फ बाद में डिस्कस करूंगा, और वो क्या है कि मैंने कहा था कि उस सॉल्यूशन में जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है वहां पे कुछ आयंस आने जाते हैं, और उन आयंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आयन है वो है बाइकार्बोनेट। तो जिस सॉल्यूशन में ब्लड को फिल्टर किया जाता है, नेचुरली बात है वो सॉल्यूशन लगातार चेंज हो रहा है, ऊपर से लगातार ड्रेन हो रहा है, चैम्बर में जा रहा है, चैम्बर में यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह निकल रहे हैं, फिर वो ड्रेन होके नया वाला सॉल्यूशन से रिप्लेस हो रहे हैं, लेकिन वहां पे बाइकार्बोनेट डाले जाते हैं ताकि वो बाइकार्बोनेट ब्लड में जाए थ्रू बाय सेमी परमियम मेम्ब्रेन और वो पीएच को मेंटेन रखे। राइट, अब समझ आई कि वहां पर बाइकार्बोनेट का क्या रोल होगा। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, क्यूरी होगी कि ठीक है हमारा ब्लड निकालना तो जरूरी है और वो वापिस लाना भी जरूरी है, लेकिन उस मशीन में जो सोल्यूशन है वो लगातार रिप्लेस नहीं होने जा रहा है। तो बच्चे उसका आंसर ये है कि लेट से ये जो मेरा हैंड है, यहाँ पे चैम्बर है और इस चैम्बर में मैंने कुछ सॉल्यूशन डाला हुआ है, जब यहाँ से ब्लड पास ऑन हो रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो यूरिया रिलीज कर रहा है। अगर ये सॉल्यूशन लगातार रिप्लेस नहीं होगा तो धीरे धीरे इस ब्लड से जो यूरिया है वो वहां एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब सॉल्यूशन के अंदर यूरिया की कंसेंट्रेशन ब्लड के यूरिया की कंसेंट्रेशन को सरपास कर जाएगी। ऐसे कंडीशन में जो फिल्ट्रेशन है वो हैम्पर हो जाएगी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि ये वाला जो सोल्यूशन है ये लगातार ड्रेन होगा और नया वाला आता रहेगा। होपफुली आपको किडनी ट्रांस, ये जो आप डायलिसिस है, इसके बारे में कुछ अहम इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्यों किडनी डायलिसिस जरूरी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली होगी।